नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में काम करता हूँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस एंड वाइटमिन डी डेफिशिएंसी। सबसे पहले पहला सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली है क्या। सो ऑस्टियोपोरोसिस को हम एक तरीके से साइलेंट बोन डिजीज़ भी कहते हैं या ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हड्डियाँ जो होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, यानी कि खोखली हो जाती हैं, तो इसलिए उसको ऑस्टियोपोरोसिस का नाम दिया गया। ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरोसिस मीन्स कि खोखलापन होना। तो ये आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत ही साइलेंटली डेवलप होता है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ता है। आमतौर पे मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में होता है, बट आजकल हम कुछ यंग पेशेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट जो हमने बात करी वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। कहीं ना कहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत गहरा संबंध होता है। विटामिन डी एक, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जो हमारी बॉडी का जो कैल्शियम हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में लें, दूध की फॉर्म में लें या किसी और फॉर्म में लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आमतौर पर क्योंकि मोस्टली लोग हम इंडोर्स रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर कम होता है, बाहर भी जाते हैं तो पूरा कवर्ड होके जाते हैं, तो मोर देन 90% जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है वो विटामिन डी डेफिशिएंट पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जब विटामिन डी कम होता है जिससे हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है और जिसकी वजह से हमारी बोन्स खोखलेपन की तरफ बढ़ती हैं, तो ये एक बहुत गहरा संबंध विटामिन डी डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स के बारे में। हमने आमतौर पर देखा है कि अक्सर पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है किसी बड़े फ्रैक्चर को लेके या कोई और हड्डी टूटने के बाद हॉस्पिटल में आता है, तब हम जाँच करते हैं और पता लगता है ऑस्टियोपोरोसिस उस पेशेंट को है। बट ये तो बात हुई जब किसी पेशेंट को कोई बड़ा फ्रैक्चर हो गया और वो आया और फिर हमने उसको डायग्नोसिस किया। बट आमतौर पे हमने देखा है कि जो भी 50 साल से ऊपर लेडीज़ होती हैं जिनका मेनोपॉजल फेस स्टार्ट हो चुका है, और जेंट्स हो गए 60-65 साल से ऊपर, एल्डरली एज ग्रुप जिसको हम कहेंगे, उन सब में किसी न किसी वैरायटी का या डिग्री का ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बट नॉर्मली पेशेंट्स उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जब तक कोई टर्मिनल इवेंट या बड़ा इवेंट नहीं हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखें तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को टाइम रहते बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। जैसे आमतौर पे लोग बताएंगे कि मेरे को अलग अलग शरीर के हिस्सों में, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। अगर कोई ये कंटिन्यूसली रेगुलरली कंप्लेंट करता है कि जगह जगह बोन्स में पेन होने लगा है, जिसको हम जनरलाइज बोन पेन्स कहते हैं, अगर वो रहेगा तो उसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। खासकर एक सिंपल टेस्ट हम पेशेंट्स को बताते हैं कि कलाई में जो हड्डी होता है हमारा, बड़ा हड्डी होता है इस तरफ, उस पर अगर हम थोड़ा सा प्रेशर देके दबाते हैं तो एक तो प्रेशर का पेन होता है और एक होता है शार्प पेन। अगर किसी एल्डरली पेशेंट को 50 साल से ऊपर आप डाउट करते हैं कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ज़रा सा उनके रिस्ट को पकड़ के हल्का सा प्रेशर दे के देखेंगे कि नॉर्मल पेन प्रेशर वाला पेन बताते हैं या सीवियर पेन बताते हैं। अगर वो सीवियर पेन बताते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ एक इशारा है, और उसी टाइम पे हमें कोई ना कोई एक कदम उठाना चाहिए उसको डायग्नोसिस करने के लिए, अपना प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। आजकल हमने यंग पेशेंट्स में भी यही सेम सिम्टम्स देखे हैं। अक्सर यंग पेशेंट्स भी मतलब नॉर्मली वो सोचते हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, बट जब वो टेस्ट कराते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं बोन डेंसिटी पे। सो यही सेम टेस्ट हम यंग पेशेंट्स में भी कर सकते हैं, और अगर उनको भी लगता है कि उनके जगह जगह बोन्स में पेन हो रहे हैं या पिछले साल दो साल में उनके छोटे मोटे फ्रैक्चर एक छोटी मोटी झटके या चोट से ही लग गया, तो कहीं ना कहीं हमें ऑस्टियोपोरोसिस को इवेल्युएट करना चाहिए। बिकॉज जैसा हमने बताया विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल यंग लोग जितने हैं मोस्टली इंडोर्स रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं जो पूरा टाइम एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें आजकल हम ऑस्टियोपोरोसिस बहुत यंग एज में भी देखते हैं, यानी कि 20-40 के बीच में भी कई केसेस हमने देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे लगता है कि हर पेशेंट को जो कि 20 साल से ऊपर है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या मिल्क का प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम है, उन सबको भी इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए, और कहीं भी थोड़ा बहुत भी आशंका हो तो डॉक्टर से मिलके एक प्रॉपर टेस्ट करा के ऑस्टियोपोरोसिस की जाँच करानी चाहिए। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस के कॉजेज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर एल्डरली पेशेंट्स में देखा जाता है, तो दो मेजर कैटेगरी जो हमने देखी है, एक होता है पोस्ट मेनोपॉजल
यानी कि मेनोपॉज के बाद वाला जो फेज होता है लाइफ का लेडीज़ का, एक वो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, और दूसरा होता है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उम्र के साथ आने वाला। तो ये मेल फीमेल दोनों में ही होता है। अक्सर हमने देखा है कि लेडीज़ में 50 या 55 में जब मेनोपॉज होता है, उसके बाद के जो पहले 4-5 साल होते हैं उसमें बोन डेंसिटी एकदम ड्रॉप करता है। तो वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जिस टाइम लेडीज़ को एक ओपिनियन लेना चाहिए, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर डिटेक्ट होता है या अर्ली स्टेज पर भी होता है तो उसको डिटेक्ट करके उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेल्स में भी हम इसी तरीके का एक इवेल्यूशन करते हैं। तो जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके लिए भी ट्रीटमेंट आमतौर पर सेम रहता है। ओनली थिंग इज जेंट्स में ये बीमारी थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, बट इवेल्यूशन तो एल्डरली एज ग्रुप में आते ही तुरंत हमें कर देना चाहिए। कई बार यंग पेशेंट्स में अनकंट्रोल्ड एल्कोहलिज्म हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेने से या स्मोकिंग करने से, या कभी कभार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, ये सारे और कारण होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हमने स्टेरॉयड जो दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉयड यूज़ के बाद भी हमने देखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी सेटिंग हो जाता है। एक अलग टाइप का ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसको कहते हैं डिसयूज़ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि यंग एज में किसी को चोट लग गया, कहीं पर प्लास्टर लगता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर बोन का मूवमेंट या जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाता है, उसमें भी कई बार ऑस्टियोपोरोसिस, लोकल ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है। तो वो भी पेशेंट को स्टिफनेस और पेन वगैरह काफ़ी महीनों तक रेजिडुअल छोड़ के जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस हैं जो यंग और एल्डरली एज ग्रुप में हो सकते हैं। ट्रीटमेंट वाइज मोस्टली सारे ऑस्टियोपोरोसिस एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि सबसे पहले हमें उसको क्वांटिफाई करना है। तो बात करें हम अगर उनकी डायग्नोसिस की ऑस्टियोपोरोसिस की, तो एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, BMD टेस्ट कहते हैं। वो एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट है, हालांकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, लेकिन मान लिया हम आमतौर पे एक बड़ी कम्युनिटी में जाते हैं जहां पर सब लोगों का बोन डेंसिटी करना होता है, तो एक वो क्विक 2 मिनट का टेस्ट है जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि बोन्स कैसी हैं। हालांकि जब भी किसी पेशेंट का उसमें पॉजिटिव आता है तो हम उसको फिर से कन्फर्म भी करते हैं, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट, या जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलेंगे उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। उसमें 3 मेन अलग अलग एरियाज़ की बोन डेंसिटी को इवेल्युएट किया जाता है, मेनली स्पाइन का होता है, कलाई का होता है, और हिप जॉइंट का यानी कि कूल्हे का होता है। इन 3 की बोन डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये 3 एरियाज़ हैं जो सबसे पहले फ्रैक्चर होने के चांस रहता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स में। सो बोन डेंसिटी की वैल्यू एक WHO गाइडलाइंस के हिसाब से डिफाइंड होती है। जहाँ पर भी टी स्कोर जिसमें स्कोरिंग होता है डेक्सा स्कैन में, अगर वैल्यू अपटिल -1 है तब तक तो हम उसको एक नॉर्मल स्केलेटन मानते हैं। अगर वैल्यू -1 और -2.5 के बीच में है तो हम उसको ऑस्टियोपिनिया मानते हैं, और अगर वो -2.5 से भी कम आता है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज के हिसाब से WHO गाइडलाइंस हैं ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए। तो बोन डेंसिटी, जहाँ भी किसी को डाउट हो ऑस्टियोपोरोसिस का, तो उनको अपने लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस किस लेवल का और किस डिग्री का है। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट की। 2 मेजर भाग हैं ट्रीटमेंट के, एक तो है बिना दवाइयों के और एक दवाइयों के साथ। जो बिना दवाइयों वाला पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हमने डायग्नोस कर लिया है, चाहे वो फ्रैक्चर होने के बाद किया हो चाहे वो अर्ली स्टेज पे किया हो, उनको बड़ा ध्यान रखना है अपनी बॉडी का कि फिर से कोई चोट या फॉल नहीं होना चाहिए। तो खासकर एल्डरली पेशेंट में ये बड़ा डर रहता है कि घर में चलते हुए अंधेरे कोनों से या कारपेट से या कहीं रास्ते में कोई पानी पड़ा हो या कुछ और पड़ा हो, जिसकी वजह से उन गिरने का बहुत चांस रहता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम सारे एल्डरलीज को एडवाइस करते हैं जो कि प्रोन होते हैं या रिस्क प्रोन होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। एक तो घर के सारे एनवायरनमेंट को, मुझे लगता है उनके सन्स एंड डॉटर्स को पूरा रिव्यू करना चाहिए, कहीं पर भी कोई शार्प एजेस ना हो, हर जगह पे ग्रैब बार्स या सपोर्ट लगे हों, ताकि अगर कोई एल्डरली बाई चांस खुदा ना खास्ता इम्बैलेंस होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को गिरने से रोक सकें। और कुशन्ड सरफेसेस या कई बार कुछ कुशन्ड पिलोज होते हैं जो ग्राउंड पे हार्ड सरफेस पे अगर पड़े होते हैं, जिस जगह पे कॉर्नर्स हैं टर्न्स हैं, वो एल्डरली पेशेंट्स को चोट लगने से बचा सकते हैं। वॉशरूम में खासकर ग्रैब बार्स और सपोर्ट बार्स जरूर होना चाहिए, गीला फ्लोर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको प्रॉपर ड्राई मॉप करना चाहिए, और घर से बाहर जाते हुए या तो कोई साथ में सपोर्ट हो, हेल्प हो तो बेटर है, या हाथ में कोई सपोर्ट केन वॉकर इस तरीके की कोई चीज़ को एल्डरली को लेके जाना चाहिए जो खासकर ज़्यादा प्रोन है, अंधेरे में ना निकले, ये सारी चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं दवाइयों से जो ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस का होता है उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, या हम कहेंगे कि कैल्शियम इंटेक जो पेशेंट्स का है जिनको थोड़ा भी रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो बहुत रेगुलर होना चाहिए। ये बहुत तरीक़ों से अवेलेबल है, नेचुरल सोर्सेज तो होती हैं, दूध या मिल्क प्रोडक्ट से लोग अक्सर कुछ कैल्शियम गेन करते हैं, साथ में चीज़, पनीर, लस्सी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ मात्रा में कैल्शियम देती है। बट जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हम यूजुअली एक कैल्शियम सप्लीमेंट उनको ज़रूर रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक से दो टैबलेट पर डे पेशेंट को रेगुलर लेना चाहिए। वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन और पुरानी कई हिस्ट्रीज देख के उसको सही सॉल्ट और सही डोजेज एडवाइस कर सकते हैं। तो एक कैल्शियम सप्लीमेंट फर्स्ट चीज़ रहेगी जो हर ऑस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है। दूसरा, जैसे हमने शुरू में बात किया विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को तो डेफिनेटली कंट्रोल करना है। तो कैल्शियम के साथ हम यूजुअली विटामिन डी का डोजेज भी देते हैं, जो हर बहुत डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सैशे पाउडर फॉर्म में आता है, टैबलेट्स फॉर्म में आता है। तो उनकी एक अप्रोप्रिएट डोज अकॉर्डिंग टू द एज, वेट वगैरह हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़ होगी विटामिन डी, जिसको हमें पूरा करना है। और बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हमारे कुछ नेजल स्प्रेज होते हैं, एक हफ्ते या महीने का एक टैबलेट होता है, और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि नया बोन बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, ये बोन डेंसिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का बहुत सीवियर डेंसिटी लॉस हो, जैसे कि -3.5 होगा, तो उन पेशेंट्स में नया इंजेक्शन जो बोन बनाता है, न्यू बोन फॉर्मेशन वाला, जिसको हम हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, वो भी देना पड़ता है। आमतौर पर उसको हम बहुत रिजर्व्ड रखते हैं, सब पेशेंट्स के लिए यूज़ नहीं होता है। बट हाँ, जिसका वैल्यू बहुत ही लो आता है डेक्सा स्कैन में, उनको हम डेफिनेटली देते हैं। और हमने देखा है कि विद इन फ्यू मंथ्स पेशेंट्स को बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क चलने फिरने में, दर्दों में और बाकी सब एक्टिविटीज़ में नज़र आता है। तो ये 5 अलग अलग तरीके के मेडिसिन ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। इनफैक्ट साल के बाद जब हम बोन डेंसिटी टेस्ट रिपीट भी कराते हैं, तो हमने देखा है कि वो वैल्यूज़ भी इम्प्रूव करने लग जाती हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने में कई साल लगते हैं, तो जब उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे से काउंसिल करना पड़ता है कि उनको उस ट्रीटमेंट पर रेगुलर बने रहना है। बिकॉज हर कोई ये सोचे कि अगर मैं आज दवाई शुरू करूँगा, 4 दिन में मेरे को रिजल्ट आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में ये ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। जैसे धीरे धीरे ये ख़राब हुआ था, वैसे ही धीरे धीरे ये सुधरता है। तो हमें कुछ महीने का टाइम पेशेंट को समझाना पड़ता है कि इतना रेगुलर वो ट्रीटमेंट लेंगे, तब जाके उनको एक प्रैक्टिकल बेनिफिट नज़र आने लगेगा। बट ये पक्का है कि अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनकी ऑस्टियोपोरोसिस रिकवर करती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के रिलेटेड जो डिस्कशन था, वो यहीं समाप्त होता है। इस स्टेज पे हम ये चाहेंगे कि कोई भी अगर आपकी क्वेरी अनआंसर्ड रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी टीम जो है वो आपको प्रॉपर रिप्लाई डॉक्टर से डिस्कस करके ज़रूर देगी। और कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑस्टियोपोरोसिस में कुछ आप कमेंट देना चाहें, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कहना चाहें कि नेक्स्ट टाइम और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करें, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।